नमस्कार दोस्तों कंपनी लॉ के लेक्चर नंबर छः में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड इस लैंडमार्क केस लॉ को और इस लेक्चर के एंड में हम लोग देखेंगे कि इस केस लॉ में कौन से प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एटीन ईयर नोट डाउन कर लेना इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है इसमें लीगल कॉन्सेप्ट कौन से थे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी ये पहला कॉन्सेप्ट है इसके बाद में लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मतलब क्या है जब कंपनी डिजोल्व होगी तो डिजोल्व करते वक्त असेट्स बेचे जाएंगे असेट से किन लोगों के लोन्स का सेटलमेंट होगा किन क्रेडिटर्स का सेटलमेंट होगा इसे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी हम लोग देखते हैं फैक्ट्स क्या है मिस्टर सोलोमन जो था वो एक शू मैन्युफैक्चरर था इन द सिटी ऑफ लंडन उसका बिजनेस बहुत ही अच्छी कंडीशन में था इनिशियली उसका जो बिजनेस था वो एक सोल प्रोपराइटरशिप था सोल प्रोपराइटरशिप का मतलब है देर इज नो लीगल डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस द ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी और उसने क्या किया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने इसकी जो सोल प्रोपराइटरशिप थी उसे टेक ओवर कर दिया अब टेक ओवर करने का कंसिडरेशन क्या है वो मैं दो स्लाइड के बाद समझाता हूं अभी हम लोग देखते हैं सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में कौन लोग मेंबर थे तो मेंबर थे सात लोग सबसे पहले तो मिस्टर सोलोमन हिमसेल्फ उनकी एक बीवी चार बच्चे और एक बेटी ये टोटल सात मेंबर थे मिस्टर सोलोमन ने इस कंपनी को यानी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को टोटल 38,000 पाउंड्स के कैश के साथ स्टार्ट किया था अब 38,000 पाउंड को उसने किस प्रकार से डिवाइड किया था वो हम लोग देखते हैं मिस्टर सोलोमन के पास 20,007 शेयर्स थे जिससे उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो शेयर्स है कंपनी का पेडअप कैपिटल मिस्टर सोलोमन के पास थे ट्वेंटी थाउजेंड वन शेयर और हर एक हर एक शेयर जो है वो एक पाउंड का है यानी मिस्टर सोलोमन के पास है ट्वेंटी थाउजेंड वन शेयर सिक्योर्ड डिबेंचर्स वर्थ रुपीज टेन थाउजेंड पाउंड एंड कैश वर्थ एट थाउजेंड पाउंड यानी टोटल थर्टी एट थाउजेंड में उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है इनके पास एक शेयर था एक पाउंड का कंपनी के तीन डायरेक्टर्स थे मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सोलोमन और दो बे दो उसके जो बेटे थे वो थे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इस स्लाइड में आपको सारी चीजें समझ में आएगी कंपनी में टोटल सात मेंबर्स थे तीन डायरेक्टर्स थे मैनेजिंग डायरेक्टर था मिस्टर सोलोमन और मिस्टर सोलोमन ने किन चीजों से स्टार्ट किया था इस कंपनी को वो देखते हैं मिस्टर सोलोमन के पास बीस हजार एक शेयर थे दस हजार पाउंड के सिक्योर डिबेंचर और एट थाउजेंड पाउंड के कैश यानी थर्टी एट थाउजेंड का आपको हिसाब लग जाएगा इसके बाद में बाकी के मेंबर्स के पास एक पाउंड का एक शेयर था इसके बाद क्या हुआ इनिशियली बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन जनरल डिप्रेशन आया और ये जो बिजनेस था वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा 1897 के बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर वन चालू होने लगा था तो जनरल डिप्रेशन आ गया था तो बिजनेस स्लो डाउन हो गया एंड कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी लुक लाइक दिस बैलेंस शीट में हम लोग लेफ्ट में देखते हैं लाइबिलिटीज तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से लोन जो था वो सेवन थाउजेंड पाउंड का था डिबेंचर्स जो थे सोलोमन के पास वो दस हजार पाउंड के थे और असेट्स बचे थे सिर्फ सिक्स थाउजेंड पाउंड के तो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने सोलोमन एंड कंपनी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेंड सिक्स थाउजेंड पाउंड टू द कंपनी एंड एट द टाइम ऑफ कंपनी दे डिमांडेड इट बैक

अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे वो आउटसाइडर्स थे और उन्होंने केस फाइल कर दिया क्योंकि सोलोमन ने क्या किया था इन 6000 पाउंड्स को अपने डिबेंचर्स को स्क्र ऑफ करने के लिए यानी अपने पास रख लिया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने केस फाइल कर दिया उनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर्ग्यूड इन फ्रस्टेशन दैट द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ऑफ मिस्टर सोलोमन इज नथिंग बट अ स्कैम बिकॉज ही इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी देर फॉर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मिस्टर सोलोम एंड हिस्स कंपनी हेंस द आउटसाइडर क्रेडिटर्स शुड बी पेड ऑफ फर्स्ट बाय द कंपनी अनसिक्योर्डिटर क्रेडिटर्स ने क्या कहा था मिस्टर सोलोमन के पास कंट्रोलिंग स्टेक है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है मेजोरिटी शेयर होल्डर है बेसिकली हम लोग आज की भाषा में कहें तो मिस्टर सोलोमन ही कंपनी चला रहा है लाइक वन पर्सन कंपनी तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा हम लोग आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं और इसीलिए ये जो कैश इन हैंड है वो हमारा लोन सेटल करने के लिए यूज किया जाए जो ट्रायल कोर्ट का और अपीलियट कोर्ट का जो जजमेंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फेवर में गया तो मिस्टर सोलोमन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील फाइल कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट फाइनल है वो इस प्रकार से था

यानी ये पूरी कंपनी इज नथिंग बट अ स्कैम ऐसा उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड में कहा था लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि उसने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया है हेंस इट इज अ लॉफुल कंपनी एंड नॉट अ स्कैम इवन इफ मिस्टर सोलोमन वर्चुअली ओन्स ऑल द कंपनी एज पर द रूल्स ऑफ इंग्लिश कंपनी लॉ प्रशियल पेमेंट बोलते हैं इसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड फर्स्ट एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हेंस द डिवेंचर्स ऑफ मिस्टर सोलोमन विल बी पेड ऑफ फर्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि इस केस में क्या प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे तो पहला प्रिंसिपल है अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अ कंपनी इज अ डिस्टिंक एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मेंबर्स द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी द प्रॉपर्टी ओन बाय द कंपनी इज ओन बाय इट सेल्फ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी का उसके ओनर के साथ प्रमोटर के साथ मेंबर के साथ शेयर होल्डर के साथ कोई संबंध नहीं है कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मेंबर्स यह पहले ही पॉइंट का रिपीटेशन है तीसरा द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस होने की वजह से मेंबर्स अपने ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं चौथा प्रिंसिपल है द प्रॉपर्टी ओन बाय द कंपनी इज ओन बाय सेल्फ यानी कंपनी के जितने भी असेट्स हैं उनकी ओनरशिप यानी उनका राइट right टाइटल और इंटरेस्ट कंपनी के पास रहेगा ना कि उसके ओनर के पास मेंबर के पास प्रमोटर के पास या फिर शेयर होल्डर के पास मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा तो जजमेंट जो था हाउस ऑफ लॉर्ड का उसने कहा कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक लॉफुली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और प्रिफरेंशियल पेमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा यानी डिबेंचर आर सिक्योर्ड लोन्स। तो सबसे पहले सोलोमन को पैसे दिए जाएंगे और उसके बाद अगर कुछ बचा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा ऐसा जजमेंट दिया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.